चलिए बच्चों आज शुरू करते हैं आपका एक चैप्टर प्रोनाउन। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था नाउन और आज आपका है प्रोनाउन, यानी कि सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। अगर बात करें डेफिनेशन की तो यानी कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेसेस नाउन, यानी कि प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन को रिप्लेस करता है। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन को रिप्लेस करता है आपकी, उसे बोलते हैं आप प्रोनाउन। क्या बोलते हैं उसको? प्रोनाउन। क्यों ऐसा? क्यों भैया ऐसा क्यों? यानी कि प्रोनाउन को नाउन की जगह लगाने की जरूरत क्या पड़ती है हमें? टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, जिससे कि नाउन बार बार ना आए, इसलिए आपको जरूरत पड़ती है प्रोनाउन लगाने की, प्रोनाउन को लगाने की। आपने कहा कि नेहा इज माय बेस्ट फ्रेंड, नेहा इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब आप फिर से कहें कि नेहा रीड्स विद मी, नेहा रीड्स विद मी, नेहा इज इंटेलिजेंट, नेहा इज इंटेलिजेंट, नेहा फादर इज ये, या फिर नेहा मदर इज ये। आप बार बार वापस का इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये गलत तरीका गलत है। एक बार नाउन लगाने के बाद आप उसके लिए उसी के जैसे किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, लाइक नेहा इज माय फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, शी रीड्स विद मी, शी रीड्स विद मी, शी इज एन इंटेलिजेंट, शी इज एन इंटेलिजेंट, हर फादर इज अ टीचर। कुछ भी आप बोलना चाह रहे हैं तो आप इस तरह बोलेंगे कि नेहा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, वह मेरे साथ पढ़ती है, वह होशियार है, उसके पापा ये हैं, उसकी मम्मी ये हैं, वह अपना काम समय पे करती है। आप बार बार नेहा 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 नहीं करेंगे, सिंपल बिल्कुल रहेंगे आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपने नाउन की जगह प्रोनाउन लगाया जिससे कि आपका नाउन बार बार रिपीट ना हो। अभी देखते हैं हम लोग एक बड़ा प्यारा सा चार्ट, नाउन के लिए हमें क्या चार्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिर्फ बढ़िए फटाफट से बंद करो राजा। चलिए बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप नाउन का चार्ट देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रोनाउन का, सॉरी यहाँ तक कैमरे मारा आराम से, ठीक है। ध्यान से आप लोग पूरा चार्ट से ही आपके खूब सारे सेंटेंसेस और फॉर्मूले आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं आपसे। यहां रखेंगे आप केसेस, सॉरी केसेस को इधर रखें आप, और यहां रखें पर्सन, और मैं इसको फिर से तीन भागों में बांट रहा हूं। ये कहता है आपका फर्स्ट पर्सन, समझ लीजिए बच्चे वाली कॉपी के लिए, हर तो कॉपी की जरूरत नहीं है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सबसे पहले एरर तो यहीं से सीख लीजिए कैसे करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा रोमन अंकों के साथ में, ये जो आपने लिखा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और अंग्रेजी अंक आपके एक दो तीन, रोमन अंकों के साथ में आप एस टी एन डी या फिर आर डी ऐसे नहीं लगाते, ये गलत है। आप इनके अंकों के साथ में ये सब चीजें लगा सकते हैं, जैसे कि आई गॉट सेकेंड पोजिशन, तो ये कहना गलत होगा, आई गॉट सेकेंड पोजिशन सेंटेंस में ये एरर है। इस तरह की एरर कुछ भी के एग्जाम में, आप लोग तो प्रैक्टिस सॉल्व भी कर रहे हैं आज तो नए वाले बैच में, तो आप लोग चेक भी करेगा उस बैच में, कोई ना कोई सेंटेंस जरूर आएगा। पहला जो केस है उसको कहा गया नॉमिनेटिव केस, क्या क्या आ गया? नॉमिनेटिव कह दीजिए, या फिर इसका नाम है अपना अगला सब्जेक्टिव केस भी। कैसा? यानी कि वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह आते हैं उसे बोलते हैं आप नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। सेंटेंस को पूरे को अपना आप नॉमिनेट कर रहा है। आप लोग अवार्ड फंक्शन वगैरह देखते हैं, उसमें कहते हैं कि इस बार जो बेस्ट एक्टर के लिए जो नाम नॉमिनेट हुए हैं, द नॉमिनेशन आर यस ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, नॉमिनेशन यानी कि सब्जेक्ट के तौर पर, यानी कि मेन हीरो कौन होता है फिल्म का, इसके आस पास फिल्म घूम रही है, यानी कि वो सब्जेक्ट है उसका, क्या है वो? इसके आप में सेंटेंस घूमता है। अगर मैं सेंटेंस में ये ना लिखूं प्लेज क्रिकेट, आपको क्या पता चला कौन क्रिकेट खेलता है भैया?
मैंने मेन हीरो का नाम तो लिखा ही नहीं, प्लेस क्रिकेट, बस क्रिकेट खेलता है, कौन खेलता है कुछ नहीं पता चल रहा हमें। तो यानी कि आपको नॉमिनेट करना ही पड़ेगा उसको, किसको नॉमिनेट कर रहे हैं आप लोग। तो जरा देखते हैं, यहां पर आएगा आई वी यू दे ही शी इट। उसके बाद आपका आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस, क्या आ रहा है, किसको आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आई का हो जाएगा मी, वी का अस, यू का यू ही रहेगा, दे का देम, ही का हिम, शी का हर और इट का इट ही रहेगा। उसके बाद अगर आ रहा है बच्चों का पजेसिव केस, क्या हो रहा है, अधिकार या संबंध जताने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं पजेसिव का, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, आपने क्या कहा, दिस इज माई पेन, तो आपने पेन पे अपना अधिकार जताया, अभी किसका पेन है, आपने भी कहा मेरा पेन है, किसका पेन है ये, तो यानी कि यहाँ पे भी दो भागों में बढ़ जाता है ये, एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडजेक्टिव और मी का हो जाएगा माई, अस का हो जाएगा और, यू का हो जाएगा योर, देम का हो जाएगा देयर, हिम का हो जाएगा हिज, हर का हो जाएगा हर और इट का हो जाएगा इट। यहाँ माई का हो जाएगा माइन, और का हो जाएगा ours, योर का हो जाएगा yours, देयर का हो जाएगा theirs, इसका his ही रहेगा, हर का हो जाएगा hers और इट का हो जाएगा its। अगला आ रहा आपका रिफ्लेक्सिव केस, कौन सा केस आ रहा है, रिफ्लेक्सिव केस यानी कि जब आप प्रोनाउन के अंदर सेल्फ लगा दें, क्या लगा दें, आपने कहा माई सेल्फ, क्या कहा आपने, कहा आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, सुमेरियन बात आपको आराम से, आपने कहा योर सेल्फ, इसके दो बनेंगे योर सेल्फ भी और योर सेल्फ भी, क्योंकि यू का इस्तेमाल आप सिंगुलर में भी करते हैं और प्लूरल में भी, तो सिंगुलर के लिए योर सेल्फ, प्लूरल के लिए योर सेल्फ, इसका हो जाएगा प्लूरल देम सेल्फ, देम, इसका हो जाएगा आपका हिम सेल्फ, हिम सेल्फ, अगला हो जाएगा आपका हर सेल्फ और उससे अगला हो जाएगा आपका इट सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका रहा पूरा नाउन प्रोनाउन चार्ट, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडवर्ब और रिफ्लेक्सिव केस, इनके एक बात का और ध्यान रखिएगा आप इसको। सेंटेंस में इनका काम रहता है बोलने का, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, आप बोलोगे मैं सुनूंगा, ठीक है जी, है मैंने बोला आपने सुना, आपने बोला मैंने सुना, तो यानी कि हम सब ने बोला और उन्होंने सुना, ठीक है जी, है तो ये सब रहेंगे आपके स्पीकर का काम करेंगे, किसका काम करेंगे ये, आप यानी कि यू, मगर आप अकेले से बात कर रहा हूं तो यू, आपसे बात कर रहा हूं तब भी यू, तो आप लगाएंगे इसको लिसनर में, किसमें लगाएंगे इसको, लिसनर में काम करेंगे, और ये रहेगा आपका नॉन एक्टिव पार्ट, क्या रहेगा आपका ये नॉन एक्टिव पार्ट। नरेशन में भी इसका बहुत अच्छा यूज है, जब नरेशन पढ़ते हैं ना हम लोग, तो नरेशन में क्या सीखा था हमने कि थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन पढ़ा होगा हम जैसे कि आई बारी में, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है जी, है तो थर्ड पर्सन नो चेंज रहेगा, इसलिए तो क्योंकि नॉन एक्टिव पार्ट है, इसलिए अब फटाफट से कॉपी कीजिए अभी सारा चार्ट, टेक अ टाइम। ओके सो स्टूडेंट्स, मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूं। तो शुरू देखते हैं सब्जेक्टिव केस, आई बी यू दे ही शी इट, तो यहां से रूल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि बी यानी कि अंग्रेजी का मालिक है ये बी, इसने काम करने के लिए रखे हैं अपने नौकर, और वो नौकर हैं इसके इज एम आर वोज और वर, बी की जो पूरी फैमिली है वह इज एम आर वॉज वर, और बी इन्हीं को भेजता है काम करने के लिए, जब इनसे काम नहीं होता तो फिर खुद जाता है बीन या बीइंग बन के, यानी कि इसकी पूरी फैमिली में आ गई आठ मेंबर, क्या आ गए आठ मेंबर, और रूल भी यही है, यदि इनके बाद कभी प्रोनाउन की आवश्यकता हो तो हमेशा सब्जेक्टिव केस, कौन सा केस,
यानी कि आई वी यू दे ही शी इट, इनमें से कोई एक आएगा, दूसरा नहीं आएगा, हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे कि आपने कहा इट इज मी, ये हो गया आपका गलत। देखिए कुछ किताबों में तो सही बताया गया है, आपने पूछा कौन है, उसने कहा मैं हूँ, इट इज मी। इंग्लिश स्पीकिंग में और बाजार में बहुत सारी बुक्स में अंदर मैंने भी देखा कि सही है, लेकिन मुझे ध्यान रखना ये आपका गलत रहेगा, ध्यान रहेगा इट इज आई, इट इज, क्योंकि इज एम आर वॉज वर बी बीन बी के बाद अगर कभी को प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा आएगा सब्जेक्टिव केस में, किस में आएगा हमेशा वो सब्जेक्टिव केस में। उसने कहा इट वॉज, इट वॉज शी, इट वॉज शी हु, इसके हिसाब से वो आएगी हु वॉज वेटिंग फॉर योर अराइवल, इट वॉज शी हु वॉज वेटिंग फॉर योर अराइवल, यस। सो यानी कि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद क्या लगाने वाले हैं आप लोग, सी से मतलब सब्जेक्टिव केस, क्या लगाएंगे सब्जेक्ट लगाएंगे हमेशा, इनके बाद हमें सब्जेक्ट ही आना चाहिए। इट इज आई, इट इज आई हु, वर्ब किसके हिसाब से आएगी आई के हिसाब से, क्या आना चाहिए हु हैव हेल्प्ड यू इन द स्टडी, इट इज आई हु हैव हेल्प्ड यू इन द स्टडी। तो ये प्रोनाउंस है, पहला रूल आपका है, अब इसे कॉपी कीजिए फटाफट से, टेक अ टाइम। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला रूल है आपका ऑब्जेक्टिव केस, किससे है ऑब्जेक्टिव केस, यानी के आई का था मी, बी का क्या था अस, यू का यू, बोलिए अगर याद है तो, ही का हिम, शी का दे का देम, इट का आई का ऑब्जेक्ट मी, बी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, इट का सॉरी दे का ऑब्जेक्ट देम और इट का ऑब्जेक्ट इट, चलो चलते हैं। ध्यान रखना बच्चों हमेशा इसके लिए रूल है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन वर्ब और लेट, प्रेपोजिशन वर्ब और लेट के बाद हमेशा आपका आएगा ऑब्जेक्टिव केस, क्या आएगा हमेशा, यहां से समझना बच्चों, बड़ा प्यारा सा रूल बनेगा इससे आपका, प्रेपोजिशन वर्ब और लेट के बाद हमेशा आएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि मी अस यू हिम हर देम इट। देखते हैं ध्यान से, उसने कहा आई एम एग्री विद शी, आई एम एग्री विद शी, विद क्या है आपकी प्रेपोजिशन, क्या है आपकी ये, तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट, जबकि शी का ऑब्जेक्ट क्या है हर, क्या आ जाते हैं यहां पे हर, शी हेल्प्ड आई इन स्टडी, तो बच्चों हेल्प्ड क्या है आपकी वर्ब, क्या है वर्ब के बाद क्या आना चाहिए था ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट क्या है मी, लेट आई प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो, मुझे क्रिकेट खेलने दो, तो लेट के बाद क्या आना चाहिए था ऑब्जेक्ट, क्या आना चाहिए था ऑब्जेक्ट। तो लेट प्रेपोजिशन और वर्ब के बाद अगर कभी कोई प्रोनाउन आएगा तो वह आएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस, क्या आएगा, बाकी और छोटी छोटी बातें रखो ध्यान से समझने की बातें हैं। लेट के बाद कभी भी ध्यान देना बच्चों, लेट के बाद कभी भी सिंगल वे में, किसमें सिंगल वे में यू नहीं आएगा, यू नहीं आएगा, आप कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते के लेट यू वॉच टीवी, लेट यू क्योंकि इसलिए क्योंकि यू का सब्जेक्ट भी यू है और यू का ऑब्जेक्ट भी यू है, तो आपको ये क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं, इसलिए कभी भी आपको लेट के बाद यू लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, सिंगल में अगर हो तो, डबल में हो तो आ सकता है, जैसे कि उसने कहा आपसे लेट यू एंड मी, लेट यू एंड मी, मी क्या है आपको पक्का पता है कि ऑब्जेक्ट है, मी क्या है यहाँ पे बिल्कुल पक्का कंफर्म है कि ऑब्जेक्टिव केस है, और हमें ये भी पता है कि एंड के दोनों तरफ सेम आता है, एंड के दोनों तरफ क्या आता है सेम, अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो उधर भी ऑब्जेक्ट आएगा, इधर सब्जेक्ट है तो उधर सब्जेक्ट आएगा, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उधर भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म आएगी, दोनों तरफ सेम आता है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये भी
ऑब्जेक्ट है, तो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, अभी सेंटेंस ठीक है, अभी सेंटेंस ठीक है। अगली बात देखिएगा, लेट के बाद यदि वर्ब आएगी, लेट का यूज और देखिए बच्चों, लेट के बाद यदि दूसरी वर्ब आएगी तो हमेशा किसमें आएगी बच्चों, फर्स्ट फॉर्म में, किसमें आएगी हमेशा, लेट के बाद आने वाली दूसरी वर्ब हमेशा होगी आपकी फर्स्ट फॉर्म में, किसमें आएगी हमेशा, फर्स्ट फॉर्म में। आपने कहा लेट मी वॉचेस टीवी, लेट मी, तो ये सेंटेंस हो गया आपका यहाँ पे गलत, यहाँ पे क्या आना था खरी वॉच, क्या आना था ओनली वॉच, लेट मी वॉच टीवी, लेट हर कुकिंग फूड, उसे खाना बनाने दो, तो ये हो गया आपका फिर से क्या आना था यहाँ पे ओनली कुक, क्या आना था यहाँ पे ओनली कुक। तो लेट के बाद आने वाली दूसरी वर्ब क्या आएगी हमेशा फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म आएगी, क्योंकि लेट जो है आपकी एक causative causative verb है, कौन सी verb है, इसके बारे में अलग से जिक्र करेंगे, इसके अलावा और भी है तीन causative verb, have, make और get, उनका भी जिक्र करेंगे, इसलिए फिलहाल आप दूसरा रूल देखते हैं। रूल क्या, इससे से जुड़ी बिल्कुल बात देखिए, उसने कहा सेंटेंस बड़ा प्यारा एग्जाम आया एक बार, there was everybody but she, so go and call her immediately, there is everybody but she, यानी कि सभी जने आए हैं बस वो नहीं आई, so go and call her immediately, तो जाओ और से कॉल करो। तो जरा देखते हैं बच्चों यहाँ पे बट के बाद यहाँ पे आया शी, क्या आया बट के बाद में, तो बट आपने आज तक पढ़ा ऐसे कंजक्शन, क्या पढ़ा, लेकिन मैंने आपको बताई थी कंजक्शन की पहचान, अगर किसी भी दिए गए कंजक्शन को अगर आपको लग रहा है वो कंजक्शन है, अगर उसके दोनों तरफ वर्ब है, अगर उसके दोनों तरफ तो ही वो दिया गया वर्ड कंजक्शन है, वरना वो दिया गया वर्ड कंजक्शन नहीं है, अगर उसके एक ही तरफ वर्ब है दूसरी तरफ वर्ब नहीं है तो वो दिया गया वर्ड आपका प्रेपोजिशन का काम करेगा, किसका काम करेगा, ओके। हालांकि ऐसे कुछ ही है, ज्यादा नहीं है, तो यहां बट के बाद वर्ब नहीं, क्योंकि तो कोमा आ गया, नया सेंटेंस शुरू हो चुका है, सेंटेंस ये खत्म हो चुका है वाला, देयर इज एवरीबॉडी बट शी, तो बट के बाद यहां पर वर्ब तो आया नहीं, खाली शी आया है, इसका मतलब बट यहां पे एक प्रेपोजिशन है, क्या है यहां पे बट एक, और अभी तो बताया कि प्रेपोजिशन के बाद आया क्या करता है बच्चों, ऑब्जेक्ट, क्या आता है प्रेपोजिशन के बाद, तो यहां पे सी की जगह क्या जाएगा, क्या जाएगा सी की जगह यहां पे, तो देयर इज एवरीबॉडी बट शी, सभी जने मौजूद हैं बस वो ही नहीं है, इसलिए जाइए उसे फटाफट से कॉल कीजिए, यस इसे आप कॉपी कर सकते हैं फटाफट से। नेक्स्ट रूल, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि माय और योर देयर हिज हर। तो स्टूडेंट आपने यूट्यूब पे हमारी देखी हुई सीरीज, हम लोग एडजेक्टिव की सीरीज बना रहे हैं, पार्ट वन पार्ट टू डाल चुके हैं, उसका पार्ट थ्री भी आने वाला है बहुत जल्दी, तो उसी से हमने आपको ये बताया था, सबसे पहला एडजेक्टिव ये बताया था उसमें पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव माई और योर देयर हिज हर। बच्चों आप ध्यान रखिएगा एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो हमेशा नाउन से पहले आते हैं, किससे पहले आते हैं, यानी कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आना जरूरी है, बिल्कुल यथा बिल्कुल पक्का आएगा, ऐसा कोई एडजेक्टिव के बाद नाउन ना आए, ठीक है जी। सो इनके बाद में नाउन का आना जरूरी है, और आपने भी कभी इनको अलग नहीं देखा होगा, माई फादर, आवर फादर, योर अंकल, हर अंकल, माई बुक, हिज बुक, हर बुक, कभी आपने बिना सिंगल इसके नहीं बोला होगा, आपने कहा माई फादर इज अ टीचर, इज अ, तो वो अब जिसके पास है नाउन वो ये, और नाउन से पहले जो है वो है आपका एडजेक्टिव, क्या है वो आपका एडजेक्टिव, तो यानी कि यहाँ पे हो गया आपके पजेसिव एडजेक्टिव। हर मदर इज अ नर्स, उसकी मम्मी एक नर्स है, तो यहाँ पे तो ये हो गया नाउन, क्या हो गया आपका ये, और ये आपका हो गया पजेसिव
एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। तो फिलहाल तो उसकी एक यही पहचान मैंने आपको बताई, अभी इससे जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स बताता हूँ मैं आपको। अभी तो पहले कॉपी कीजिए, अभी कुछ जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ मैं आपको इसकी। ओके देखो जो जानते पजेसिव एडजेक्टिव यानी क्या है, माई और योर हिज हर द, माई और योर हिज हर देयर, ये आपके पजेसिव एडजेक्टिव है सारे के सारे। मैंने आपको बताया कि इनके बाद में पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन का आना अनिवार्य है। इसके ऊपर आपने सेंटेंस बनाया माई फादर इज टीचर, योर मदर इज अ नर्स, अभी दो सेंटेंस बनाया आपने। इनके बाद यदि वर्ब आएगी, यदि वर्ब आएगी तो आई एन जी केस में, इसमें यानी कि वो कहलाएगा उस टाइम पे जीरंड, क्या कहलाएगा जीरंड, और जीरंड कहलाता है आपका नाउन, क्या कहलाता है नाउन। जैसे कि आपने कहा शी लाइक्स मी प्लेइंग क्रिकेट, एग्जाम आया हुआ सेंटेंस पर कहता है, सेंटेंस एग्जाम आई भी है, प्रॉब्लम आई भी है, उसने कहा कि शी लाइक्स मी प्ले क्रिकेट। अगर आप सोच रहे हैं कि सेंटेंस ठीक है कि शी लाइक्स मी, मैं मुझे पसंद करती है, तो फिर ये क्या है, क्रिकेट खेलना। तो यहाँ पे क्या है आपका जीरण, क्या है आपका, और जीरण से पहले क्या आना चाहिए आपका पजेसिव एडजेक्टिव। अभी तो बताया यदि इनके बाद में वर्ब आएगी तो किसमें आएगी, आईएनजी केस में, आईएनजी यानी कि जीरण, जीरण यानी कि नाउन से पहले क्या आना चाहिए था पजेसिव एडजेक्टिव, क्या आना चाहिए था, तो मी की जगह क्या जाएगा यहाँ पे माई, क्या जाएगा मी की जगह यहाँ पे, सो शी लाइक्स माई प्लेइंग क्रिकेट यानी कि उसे मेरा क्रिकेट खेलना पसंद है, उसे मेरा क्रिकेट खेलना पसंद है। आई लाइक जया, आई लाइक जया वॉकिंग ऑन द फ्लोर। तो बच्चों पहली बात तो एक बात और ध्यान रखना आप इसके अंदर, मैंने आपको नॉर्मल चैप्टर पढ़ाया था कि अभी भी दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते, ये तो पहली बात बता दी मैंने आपको पहले ही। यहाँ पे वॉक में आईएनजी लगा हुआ है, क्या लगा वॉक में आईएनजी लगा, वो भी बिना हेल्पिंग वर्ब के, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बिना हेल्पिंग वर्ब के हो तो वर्ब नहीं है जीरंड है, क्या है वो, अगर इससे पहले इज़्ज़मार बार बार बी 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 नहीं है तो समझो जीरंड है, क्या है ये, और जीरंड है तो ये नाउन है, क्या है ये, और जया तो पक्का नाउन है, प्रॉपर नाउन है जया, नाम है तो ये भी नाउन है। अब दो नाउन इकट्ठे कैसे आ जाएंगे, अब जरा ध्यान दो, मुझे पसंद है जया चलना या जया का चलना, जया का चलना, और का की के लिए क्या लगाते हैं आप लोग, एपोस्ट्रोफ, क्या लगाते हैं एपोस्ट्रोफ एस, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे आप लोग एपोस्ट्रोफ एस। आई लाइक जयास वॉकिंग ऑन द फ्लोर यानी कि आपने एक बात और देख ली, जीरंड से पहले अगर कभी कोई नाउन आएगा तो वो भी आएगा आपका पजेसिव केस में, यानी कि एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, फिर जीरंड लगाएंगे। आई लाइक जयास वॉकिंग ऑन द फ्लोर, आई लाइक जयास वॉकिंग ऑन द फ्लोर। ओके स्टूडेंट समझ में आ गई, तो आज की क्लास इतनी ही, आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा, और आप लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हैं हमें साथ साथ वो भी लाइक और शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, जिससे कि हम आपके लिए पार्ट टू भी डाल सकें। ओके स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब खैर, गुड नाइट, बाय।